गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट जीरो टू डैश। इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आप सेल को सिलेक्ट कीजिए या डाटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए, वो एक सेल हो सकता है या एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकता है जिसमें आप चाहते हैं कि वहाँ ज़ीरो अगर आए तो वो ऑटोमेटिकली डैश में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद माउस में राइट क्लिक कीजिए और स्टेप थ्री में आप राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेनू। इसके बाद में स्टेप फाइव में आपको क्लिक करना है ऑन कस्टम, और कस्टम में जाके आपको टाइप करना होगा ज़ीरो सेमीकोलन माइनस ज़ीरो सेमीकोलन डैश सेमीकोलन एट द रेट ऑफ। उसके बाद आप सेवन नंबर में ओके पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ज़ीरो कन्वर्ट हो चुका है डैश में। आपको कस्टम में जाके, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ज़ीरो टाइप करेंगे फिर सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन उसके बाद डैश सेमी कॉलन और एट का सिंबल आप टाइप करेंगे। इसके बाद जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास डाटा डैश डैश में जहाँ भी ज़ीरो होगा वो डैश डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल ले। और ये बिल्कुल फ्री है, और आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, और इसे ज़रूर लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल, जो हमारा टॉपिक है एक ज़ीरो टू डैश को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमएस एक्सेल में। और आप हमारा देख रहे हैं वीडियो नंबर MKS64 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट ज़ीरो टू डैश और ज़ीरो टू डबल डैश और मोर, मीन्स ज़ीरो को आप डैश डबल डैश डॉट और अदर किसी सिंबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आपके पास डाटाबेस है जिसमें आइटम्स है, सेल्स है, मोबाइल लैपटॉप और टोटल, और हम चाहते हैं कि जहाँ ज़ीरो हो वहाँ डैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले उन सेलों को सेलेक्ट कीजिए जहाँ आप ये ज़ीरो को डैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स पे जैसे आएंगे आपका के पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें आपको नंबर पे जाना है। इसमें बहुत सारे हैं लेकिन आपको नंबर पे क्लिक होना चाहिए। नंबर पे क्लिक होने के बाद आपको कस्टम पे जाना है, और कस्टम पे जो आप जनरल देख रहे हैं वहाँ जनरल को एडिट करके आप टाइप कीजिए ज़ीरो
उसके बाद सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन डैश सेमी कॉलन एंड एट द रेट ऑफ टाइप कीजिए एट द रेट, और ये टाइप करने के बाद आप ओके पे जाइए और ओके कर दीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ भी हमारा ज़ीरो था वो डैश में कन्वर्ट हो गया। लेट अगर यहाँ हम ज़ीरो लिखें तो देखिए ये डैश में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ वन लिखे तो ये वन है, यहाँ ये वन लिखे तो वन, टू लिखे तो ये ऐड हो गया है ये हमारा डाटा। लेकिन जैसे ही अगर कोई वैल्यू हम ज़ीरो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने जो फार्मूला लिखा था ये फार्मूला था टाइप फॉलोइंग ज़ीरो सेमी कॉलन डैश सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस डैश सेमी कॉलन एट द रेट ऑफ, क्लिक करके हमने इस प्रोसीजर को सेलेक्ट सेल्स राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स नंबर टैब और कस्टम में जाके आपको ये टैप करके ओके करना था। इसी डाटा में अगर आप चाहें तो डबल डैश भी ले सकते हैं। देखते हैं हम एग्जांपल। इसके लिए फिर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए डाटा जहां आप ज़ीरो के बदले डबल डैश लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद माउस से आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक के बाद आप आइए फॉर्मेट सेल्स पे, फॉर्मेट सेल्स पे नंबर पे जाना है। नंबर पे जाने के बाद आप कस्टम पे आइए सबसे नीचे, और कस्टम पे जनरल को एडिट कर दीजिए जहां आप जनरल लिखा हुआ है टाइप बॉक्स में। ये टाइप बॉक्स है और टाइप बॉक्स में आप टाइप कीजिए ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन डैश डबल डैश। आप चाहें तो दोनों के बीच में स्पेस भी ले सकते हैं। सेमी कॉलन एट द रेट ऑफ, और ये टैप करने के बाद आपको प्रेस करना है ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए ये जहाँ जहाँ भी ज़ीरो था ये डबल डैश हो गया है। यहाँ हम अगर फाइव लिखें तो देखिए फाइव, यहाँ अगर हम ज़ीरो लिखें और इंटर करें तो ये डबल डैश में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह हम कस्टम सेटिंग में जाके ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन डबल डैश सेमी कॉलन एट द रेट टाइप करके हमने इस स्टेप्स को फॉलो किया और ये हमारा रिजल्ट आया। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा में जहाँ ज़ीरो हो वहाँ डॉट 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 आए तो आप डॉट डॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप उन रेंज को सेलेक्ट कीजिए, सेल्स को सेलेक्ट कीजिए जहाँ ज़ीरो के बदले आप डैश लिखना चाह रहे हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया B2 से B4। उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक के बाद आप फॉर्मेट सेल्स पे जाइए और फॉर्मेट सेल्स पे नंबर पे जाके कस्टम पे, और आप टाइप कीजिए ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो सेमी कॉलन, और आपको जितने भी डॉट चाहिए, लेट हमें तीन डॉट चाहिए तो तीन बार डॉट इंटर करेंगे सेमी कॉलन और एट द रेट टाइप करेंगे। उसके बाद हम ओके पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जैसे हम ज़ीरो इंटर करेंगे ये टिकल डॉट आ गया। यहाँ अगर ज़ीरो लिखे तो देखिए टिकल डॉट आ गया। अगर हम फाइव लिखे तो देखिए ये डॉट हट गया। ये फाइव लिखे तो ये डॉट हट गया। तो इस तरह से आप
डॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं जिसे आप जीरो के बदले में यूज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह देखें कि हमने कस्टम सेटिंग में जाके टाइप किया जीरो सेमीकोलन माइनस जीरो सेमीकोलन डॉट डॉट डॉट, आप जितने भी डॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, सेमीकोलन एट द रेट और ओके करके प्रेस करेंगे तो जीरो के बदले में हमारा ट्रिकल डॉट या जितने भी डॉट लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप डॉट नहीं लेना चाहते हैं तो टिल्ड भी आप ले सकते हैं, आप देख पा रहे हैं जीरो सेमीकोलन माइनस जीरो सेमीकोलन टिल्ड और सेमीकोलन एट द रेट। ओके दोस्तों, मुझे यकीन है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे तरफ से आपके लिए विशिंग हेल्दी वेल्दी एंड पीसफुल लाइफ टू यू द एंड। थैंक यू वेरी मच।